तो हेलो भाई लोग, आप सभी का स्वागत है और एक नई वीडियो में। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे दिल से यार थैंक यू यार, आप सभी ने हमारे जो चैनल में 350 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिए, तो इसलिए सबको सबसे पहले दिल से यार थैंक यू। और गाइस, कल मुझे एक कॉल आया था मेरे दोस्त से, तो उसने जो उसके घर मुझे इनवाइट किया है, तो उसने कहा है कुछ काम है, तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। तो ब्लॉग में बने रहना और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना, बहुत ही मज़ेदार होने वाला वीडियो। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, और बेल नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल में सेट कर देना। तो अभी मैं और जो फ्लोटिंग माइंड का ऑनर है मेरे भैया, तो हम दोनों जा रहे हैं अपने दोस्त के घर। तो चले जाते हैं उसके घर और दिखाते हैं क्या कुछ होता है, तो वीडियो में बने रहना। तो हम लोग जो अपने दोस्त के घर आ चुके हैं, तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार और फनी होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो मैं ज़्यादातर बोलूँगा नहीं, फ्लोटिंग माइंड वाले भैया बोलेंगे। तो वीडियो को देखते रहो। हेलो, कैसे हैं दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फ्लोटिंग माइंड में। आज हम लोग चिकन बना रहे हैं दोस्तों, कुलटेक गेमिंग का 300 के सब्सक्राइबर होने की खुशी में, और साथ ही साथ फ्लोटिंग माइंड के 1000 के क्रॉस करने की खुशी में। तो हम लोगों ने दो कारीगर मंगाए हैं, जापान से एक है और एक इंग्लैंड से है। और इन लोगों का स्किल्स खासियत ये है कि एक प्याज में महारत हासिल है और एक चिकन में बहुत महारत हासिल है। चिकन बहुत अच्छे सानते हैं, ये देखिए दोस्तों। प्याज वाले ने प्याज को इतना सुंदर ढंग से काटा है कि प्याज से आपका चिकन का टेस्ट बदल जाता है, और चिकन वाले ने चिकन को इतना सुंदर से साना है कि देखिए दोस्तों, चिकन को इस तरह से मैग्नेट किया है, मैग्नेट। चिकन मैग्नेट होने के बाद दोस्तों अभी कैसे बनाना है देख लीजिए आप। चिकन बिल्कुल ही एकदम रेडी लग रहा है, और लग रहा है बिना पकाए आदमी खा सकता है। और साथ में प्याज को देखिए दोस्तों, प्याज भी इतना सुंदर, इतनी खूबसूरती से बारीकी से बनाया गया है प्याज से भी दोस्तों, कि आपका दिल खुश हो जाए। संजीव कुमार भी शर्मा जाए। और ये कढ़ाई है दोस्तों, इस कढ़ाई में अभी थोड़ी देर में चिकन गिरने वाली है, उससे पहले कढ़ाई को कैसा फील हो रहा है देख लेते हैं। कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, लगता है उनको पसीना आ रहा है। और दोस्तों ये देखिए बैचलर लोगों का सेटअप कैसे होता है, थोड़ी बहुत जो जो जरूरत की सामान है वो है यहाँ पर। और ये रहा इंडक्शन दोस्तों, यहाँ पर चावल बैठ चुका है, चावल थोड़ा थोड़ा गर्म हो रहा है, थोड़ी देर बाद चावल गर्म होने के बाद उनका भी पसीना पसीना निकलेगा। और दोस्तों इस तरीके से ये जो है देख रहे हैं सेटअप बॉक्स है, ये क्या है, ये मसाला है ना, ये बाबा जी मसाला है। और इस मसाले से चिकन मटन जैसा स्वाद आता है चिकन में। टेस्ट करके मैं आपको बताऊंगा कि स्वाद कैसे। और सरसों तेल अभी कढ़ाई में चढ़ने ही वाली है, और इस तरीके से तेल डाला जाता है दोस्तों, देखिए बिल्कुल भी छिटकता नहीं है तेल। सबसे पहले आपको क्या करना है,
कढ़ाई में से पानी की सारी बूंदें हटा लेनी है, उसके बाद सरसों तेल डालनी है। इस तरीके से डालने के बाद थोड़ा सा भी उसे छिटकवा नहीं उबलता है पानी। और इस तरीके से देखिए दोस्तों, तेल बिल्कुल ही मस्त दिख रहा है और तेल गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं वीडियो अपलोड करते हैं। और सो यार, सबसे पहले तो सभी दोस्तों को जो भी है यार, जिन्होंने ये सब कुछ अरेंज किया, तो उनको यार मैं दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो बहुत सा खर्चे कर लिए मेरे पीछे और बहुत कुछ उन्होंने अरेंज किया है। तो चलिए अभी केक को जो काट लेते हैं और देखते हैं क्या कुछ सीन होता है आगे वीडियो में। प्लीज यार, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, कितनी मेहनत कर रहा है ये हम सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। और अगर आपको यार वीडियो पसंद आई तो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया। छोटी सी पार्टी हम लोग ने अरेंज की है इनके लिए, हमें बहुत खुशी है, गर्व हो रहा है कि हमारे इलाका का लड़का अभी बहुत ग्रोथ कर रहा है दोस्तों। छोटे से शहर से इतना ग्रोथ कर लिया, और आप सभी का चाहता दोस्तों इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को थोड़ा फैलाइए। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल में न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सो यहाँ पर जो सारा खाना बन चुका है, रेडी हो चुका है, हमने केक भी काट लिया, उसके बाद जो अभी खाने का टाइम हो चुका है, तो यहाँ सारा आइटम्स बन चुका है। पुलाव, राइस, चिकन है, चिकन फ्राई है, और यहाँ दाल है। तो चलिए खाते हैं और देखते कैसा टेस्ट बना हुआ है। और बहुत यार भैया और दोस्त लोगों ने यार बना लिया, तो बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है। तो चलिए फटाफट से खा लेते हैं, और देखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, तो खाने में भी शायद बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए खा लेते हैं, फिर उसके बाद दिखाते हैं वीडियो में क्या होता है आगे। सो दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने खाना खा लिया, तो यहाँ मैं वापस से घर जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यार दोस्तों को बहुत बहुत थैंक यू यार, इतना अच्छा खासा पार्टी देने के लिए, तो बहुत सारे खर्चे कर लिए मेरे पीछे उन लोगों ने, तो यार उनको दिल से थैंक यू। और भाई लोग, आप लोगों ने यार 350K सब्सक्राइबर कर दिया है, तो बहुत यार सपोर्ट दिखा रहे हैं आप लोग भाई लोग, तो बस ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए आप लोग, बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट में कुछ नहीं, बस एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना हमारे चैनल को, और जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल में सेट कर देना, और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। तो आगे भी ऐसे वीडियोज़ में लाते रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, टाटा, बाय बाय।